शेखुपुरा के गांव हेजड़ में मुख्तलिफ मकामात पर 8 अफराद को सोते में तेज धार आले से कत्ल कर दिया गया है। मजीद तफसीलात जानते हैं जीओ न्यूज़ के नुमाइंदे शेख सुहेल अहद से। सुहेल, अब तक क्या सामने आया है, कत्ल की कोई वजह सामने आई है? जी, वो जो मुल्ज़िम है उसका ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं, इस बारे में DPO ने ब्रीफिंग दी है। उनका कहना है कि मुल्ज़िम का ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं था, उसने पहला कत्ल तो किया है गाँव हेचड़ में, फिर वहां से उसने 4-5 किलोमीटर के दूर गांव है कोट अब्दुल्ला, वहां जाकर आखिरी कत्ल किया है। लोग अपनी मवेशियों की हिफाजत के लिए गलियों, हवेलियों और खेतों में सोए होते हैं। मुमी तौर पर पंजाब की रवायत के मुताबिक उसने पहले एक बंदे को कत्ल किया, फिर उसके बाद कई फासले में जाके दूसरे बंदे को कत्ल कर दिया। इसी तरह लोगों की चीखों पुकारना हो सकी और वो अपना तफाकाना खेल खेलता रहा, जिसके नतीजे में अब तक मिलने वाली तलाश के मुताबिक 8 अफराद मारे जा चुके हैं, जिनमें ज्यादातर नौजवान भी शामिल हैं। एक की शनाख्त दिलावर के नाम से हुई है, दूसरे की शनाख्त अक्रम के नाम से हुई है। DPO के मुताबिक 8 लाशों को अस्पताल पोस्टमार्टम के लिए पहुंचा दिया गया है। मुल्जम फैज को आला कतल यानी तेजदार कुल्हाड़ी समेत गिरफ्तार कर लिया गया है। लोगों को, मुकामी लोगों का कहना है कि अगर पुलिस का इस इलाके में गश्त होता तो शायद ये सफा का ना बरबरियत का सानिया पेश ना आता। बहुत शुक्रिया सुहेल अहद अपडेट करने के लिए।